गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? क्या सभी लोग तैयार हैं आज के नए सेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट? चलिए आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की। यस, आप जानते हैं नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिम्नोस्पर्म का माय डियर स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ओके, बहुत सारे बच्चे आज की डेट में नए होंगे और चाहते होंगे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अटेंड करना, और जो भी लाइव सेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिल पाए। सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जो भी नए बच्चे हैं यहाँ पे, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का जो नाम है वो है DNCMI। और ऐप कैसे पहचानेंगे आप, देखिए इसके जस्ट बैकग्राउंड ब्लैक है और नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन कैबिन मीडिया। यस, इस ऐप को डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। इस ऐप के जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने वहां पर कैटेगराइजेशन कर रखा है यूनिट वाइज, और वहां पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको माय डियर स्टूडेंट, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और सेकेंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा तरीका ये है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है DNCMI एजुकेशन, इसको भी आप सर्च करा सकते हैं यहाँ पर DNCMI डाल के। और पहचानने के लिए यहाँ पर मेरी ये फोटो लगी हुई है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं और अब है आपका नंबर। तो चलिए, ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी माय डियर स्टूडेंट, किस तरीके से आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और जो नोटिफिकेशन है लाइव सेशंस के लिए कैसे आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। आज का ब्रेन डाइट क्या है? ब्रेन डाइट आज का है, यस, मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यस, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है माय डियर स्टूडेंट। यस, अगर आपके सपनों में जान होगी, यस, अर्थात अगर आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस गोल को आपने किसी एक के साथ अगर प्लस किया है, चाहे वो उसको आपने अपने इमोशन के साथ प्लस कर दिया है, मतलब जैसे अगर मैं डॉक्टर्स बनूंगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? डॉक्टर बन जाने पर मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी गोल को एक इमोशन के साथ जोड़ देते हैं तो गोल को अचीव करने के लिए अपने आप अंदर से एनर्जी बनने लगती है और मिलती है। यस, तो आपको अगर गोल को अचीव करना है तो अपने सपनों में जान डालनी होगी। जान का मतलब है कि उस गोल को किसी ना किसी इमोशंस के साथ आप उसको प्लस कर दीजिए। और यस, अगर आप ऐसा करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपको मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी। यस, किससे उड़ान होती है? हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले कब आते हैं? जब अपने गोल को आप किसी के साथ कनेक्ट करा देते हैं, इमोशन से, अपने गार्जियन से, अपनी खुशियों से, तो आपको जान मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ माय डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन को। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है, आपको पता है हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है किंगडम प्लांटी, वो यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है। किंगडम प्लांटी में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और आपको पता है किंगडम प्लांटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं क्रिप्टोगैमेंस। यस, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पता है अभी तक हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, तो अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं एल्गी के बारे में, जिसे हम थैलोफाइटा बोलते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में और टेरिडोफाइटा के बारे में। इट मींस हमारा नॉन फ्लावरिंग वाला प्लांट का पोर्शन अब खत्म हो चुका है। यस, फाइनली अब हमें जो स्टडी करनी है माय डियर स्टूडेंट, जिम्नोस्पर्म की स्टडी करनी है, और जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म की। थैलोफाइटा में, एल्गी में हम लोग ने क्या क्या देखा है? तीनों टाइप क्लास के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों की स्टडी हम लोग कर चुके हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ब्रायोफाइटा में हमने लीवर बर्ड्स, मॉसेस और हॉर्न बर्ड्स, तीनों की स्टडी कर चुके हैं। टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं और जो टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बात हम लोग कर चुके हैं। और आज जो हमारा नंबर है माय डियर स्टूडेंट, वो है हमारा जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में कॉनिफिरोप्सिडा,
निटॉक्सिडा और साइक्लोडॉक्सिडा, इन तीनों के बारे में बात करेंगे और जिम्नोस्पर्म के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी बात आज के लेक्चर्स में होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट किसकी, जिम्नोस्पर्म की। जैसे ही माइंड में जिम्नोस्पर्म आता है, बहुत ग्रीनिश प्लांट, बड़े बड़े प्लांट हमारे माइंड में आने स्टार्ट होते हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म के प्रॉपर रेंज की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए ये रेंज आपको 21 मीटर से स्टार्ट होती है, मतलब 70 फीट से स्टार्ट होती है और धीरे 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 ये रेंज कहां पहुंचती है माय डियर स्टूडेंट, 300 फीट तक ये लंबे हो सकते हैं और हम बात करें तो 90 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। क्लियर है, मतलब कितना बड़ा आप स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं कि छोटे प्लांट से लेके लगभग 367 फीट तक, अर्थात 112 मीटर तक के लंबे हो सकते हैं ये प्लांट। और ये प्लांट कौन से हैं जो 367 फीट के हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है रेड वुड ट्री है, कॉस्ट रेड वुड ट्री है। बहुत सारी स्पीसीज यहां पर लिखी हुई है, इटालियन साइप्रस, व्हाइट स्प्राउस, स्कॉट पाइन, यूरोपियन लार्च, वेस्टर्न रेड सीडर, यस डगलस फिर गायंट सिकोया। तो ये सब आइडिया से देखिए बड़ी बड़ी स्पीसीज है प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म की। तो इसका मतलब तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्लांट्स की जो लेंथ है बहुत वेरिएबल देखने को आपको मिलेगी। गायंट्स लेंथ के प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं जिम्नोस्पर्म के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो माइटोस्टेट देखिए सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हैं और फर्स्ट पॉइंट आता है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जहां पर सीड नेकेड होगा। सीड की कंडीशन दो होती है। अगर आप एंजियोस्पर्म में देखें तो जो सीड है, जो बीज है, कहां मिलेंगे, फ्रूट के अंदर मिलेंगे। लेकिन यहां पर सीड कैसे है जिम्नो में, नेकेड है, इनके ऊपर कोई इसके ऊपर कोई और एनवेलप नहीं है। क्लियर है मेरी बात। तो जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, अर्थात नेकेड सीड प्लांट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज विद एन ओवरी वॉल। अब फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर कोई भी ओवरी वॉल आपको देखने को नहीं मिलती। यस, और यहां पर ओव्यूल्स किसी भी ओवरी वॉल के अंदर इंक्लोज्ड नहीं है, जैसा कि एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिला है, जस्ट अपोजिट है, वहां पर ओवरी वॉल भी है और ओवरी वॉल के अंदर ओव्यूल्स है। और जब ओव्यूल्स में आप पता है जब ये फर्टिलाइज्ड होते हैं तो क्या होता है, सीड में कन्वर्ट होता है और बाहर वाला पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ आप क्या मिलेगा, आपको नेकेड सीड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साइज अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो मीडियम साइज से लेके टॉल ट्री अप टू 367 फीट तक के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया। गायंट रेड वुड ट्री, आप देखिए इसको गायंट्स बोल लीजिए, जायंट्स बोल लीजिए, जायंट्स रेड वुड ट्री सिकोया, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म में। सबसे लंबे जो ट्रीज हैं वो आपको जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिलते हैं। यस, पाइनस देखिए मोनोसियस है। यस, मतलब यहां पर आपको एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डायोसियस की, तो डायोसियस देखने को मिलता है साइकस में, मतलब मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिम्नोस्पर्म के। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, ये देखिए वही फिगर जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया हुआ है। यस, आप देखिए लीव्स कैसी, इसमें डिटेल्स हैं, दिख रहे हैं यहां पे। चलिए लीव्स में भी बड़ा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसकी बात भी आगे हम लोग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, देखो जरा ये साइकस देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने देखा होगा होटल और रेस्टोरेंट्स के बाहर सजावट के रूप में इसको लगाया गया है। यस, ये साइकस है और ये देखिए यहाँ पर डिडेल लाइक लीव्स हैं और ये प्लांट है पाइनस। तो पाइनस आप देख के कैसा होता है, मोनोसियस
और साइटस कैसा होता है? डायोसियस, मतलब मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। जबकि पाइनस के केस में क्या होगा, इसमें मेल स्ट्रोबाइलस और फीमेल स्ट्रोबाइलस एक ही प्लांट में देखने को मिलेंगे। चल और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग ने इसके इमेजेस प्रॉपर देख लिए, जिससे आप प्रॉपर पहचान पाओ कि साइकस कौन सा है और पाइनस कौन सा है। यस, अब यहां पर एक प्रॉपर एक लाइफ साइकिल दिखाई गई है जिम्नोस्पर्म की, कि किस तरीके से जिम्नोस्पर्म अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जो प्लांट है, अगर हम उसके रूट की बात करें माइटोस्टेट, तो रूट अगर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में तो जनरली आपको यहां पर टैप रूट मिलेगा। टैप रूट आपको पता है, जैसे सपोज दैट ये ग्राउंड है, यस ये प्लांट है, यस, तो यहां से जो मोस्ट प्राइमरी जो रूट्स होती है जो काफी यस मोटी होती है, और यही से जो सेकेंडरी रूट्स निकलती है, तो ये जो रूट है ये जो, इस रूट को हम कैसे बोलते हैं, टैप रूट। और टैप रूट से फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती है, प्रोफेसली ब्रांच्ड हो जाती है। तो ये टैप रूट मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म के केस में। सेकेंड पॉइंट, अगर हम रूट्स की बात करें तो पाइनस में आपको एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है माइडोस्टेन, कि प्लांट्स की रूट के साथ कुछ फंगल फिलामेंट एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब फंगस इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो पाइनस की रूट के साथ जब फंगस एसोसिएट होता है तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनता है उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइंड में जरूर आ रहा होगा कि माइकोराइजा या फंगल जो एसोसिएट हो जाते हैं पाइनस की रूट के साथ, उससे फायदा यह होता है, एक तो देखिए यहां पर फंगल एसोसिएट नहीं है तो रूट का दायरा कितना है, सीमित है। लेकिन जहां पर आप देखिए फंगल एसोसिएट हो गए हैं, इससे फायदा यह होता है, एक तो रूट का जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो फंगल हाइफी है वो इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और सराउंडिंग में जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, वो एब्जॉर्ब करके वो पर्टिकुलर इस प्लांट को दे रहे हैं। तो एक तो चीज ये देखने को मिलेगी कि अगर किसी रूट में आपको माइकोराइजा देखने को मिलेगा तो एक तो वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, भाई रूट तो एक एक लिमिटेड एरिया ही घेरेगा ना, लेकिन जब उसके साथ एक और एक मिल गया तो कितने हो गए, 11 हो गए, तो 11 में ताकत आ गई, लेकिन अकेला क्या करेगा। तो वैसे ही पाइनस के केस में क्या होता है माइडोस्टेन, कि इसकी रूट के साथ फंगस एसोसिएट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से रूट का सरफेस एरिया बढ़ता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बड़ी मदद मिल जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से फंगल स्पीसीज है, तो नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है माइडोस्टेन, यस वो जो स्पीसीज है वो है एस्कोमाइसिटीज और बेस्टियोमाइसिटीज के जो मेंबर है, यस इसकी जो स्पीसीज है वो पाइनस रूट के साथ एसोसिएशन बनाती हैं, और बना के उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो एस्कोमाइसिटीज और बेस्टोमाइसिटीज के मेंबर ही एसोसिएट होते हैं पाइनस रूट के साथ। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के दूसरे मेंबर की, जो कि हमारा साइकस है, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था साइकस, साइकस में रूट को हम एक नाम देते हैं कोरेलाइड रूट्स। कोरेलाइड रूट्स में मतलब क्या होता है कि यहां पर इसकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, यस, और इसमें भी आपको टैप रूट ही देखने को मिलेगी। तो कोरेलाइड रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है माइडोस्टेन, साइकस का। तो यहां पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं साइकस को, जिससे साइकस की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो पाती है। अभी हम इसके माइकोराइजा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग ने रूट्स के बारे में यहां क्या क्या समझा, मोस्टली आपको टैप रूट मिलेगी, पाइनस में आपको माइकोराइजा देखने को मिल रहा है, इसमें एस्कोमाइसिटीज और माइको बेसिडोमाइसिटीज स्पीसीज जो फंगस की है वो एसोसिएट करती है और माइकोराइजा बनाती है, और साइकस के केस में आपको कोरेलाइट्स रूट देखने को मिलती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम स्टेम की। अगर हम स्टेम की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, साइकस और पाइनस के रेफरेंस में, तो साइकस में जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस का स्टेम कैसा है, अनब्रांच्ड है, मतलब वहां पर किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग
नहीं है। लेकिन अगर वही आप पाइनस के केस में देखेंगे और सिट्रस के केस में देखेंगे तो वहां पर ब्रांच्ड ट्री आपको देखने को मिलेगा। ट्री कैसा है? ब्रांच्ड है। लेकिन साइकस के केस में क्या है ट्री? यहां पर अनब्रांच्ड है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, अब हम बात करेंगे लीव्स की, कैसी लीव्स आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देखिए जो लीव्स है माइडोस्टेम, ये इस तरीके से बनी हुई है, वेल एडाप्टेड है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव रख पाए। यस, विंड में और प्रॉपर ह्यूमिडिटी में अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ये लीव या तो सिंपल होंगी और या तो कंपाउंड होंगी। यस, सिंपल लीव और कंपाउंड लीव्स क्या होती है इसके बारे में मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं। यस, पिछले के लेक्चर्स आप जाके लगाइए। तो लीव्स कैसी हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकती है। जैसे सपोज दैट ये लीव है तो माइडोस इन लीव्स के ऊपर प्रॉपर क्यूटिकल की इसमें कोटिंग होगी। यस, इसके अलावा स्टोमेटा संकीर्ण होंगे जिसकी वजह से वाटर का जो लॉस है वो कम हो पाए। तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लीव्स की बात करें माइडोस्टेन, तो यहां पर जो लीव्स हैं साइकस के केस में तो ऐसी लीव्स को बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। यस, और ये लीव जो है कुछ सालों तक यहां पर परसिस्ट रहती है। यस, पिन्नेट लीव्स, और इसके बाद ये सेट भी कर जाती है। जबकि कॉनिफर्स में की जो लीव है वो जैसे सुई होती है, निडल लाइक लीव्स होती है। जैसे आप देखें कॉनिफर्स को तो यहां पर इस तरीके की लीव्स मिलेगी जो कैसी होंगी, बिल्कुल निडल लाइक लीव्स होंगी। तो निडल लाइक लीव्स कहां पर मिलेगा? पाइनस के केस में। पिन्नेट लीव्स कहां पर मिलेगी? साइकस के केस में। अभी पिन्नेट लीव्स के बारे में भी मैं आपको इसके जस्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा पिन्नेट लीव्स के बारे में। यहां पर आप लीव्स में देखिए, मैंने आपको बताया यहां पर थिक क्यूटिकल्स की लेयर होती है जो हार्श कंडीशन में लीव को प्रोटेक्ट रखती है। आप जानते हैं जो पाइनस है कहां पर मिलते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, माउंटेन एरिया में आप जाइए वहां पर आपको पाइनस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा ठंड से उसको बचाना है। यस, बहुत तेज अगर हवा चल रही है उससे उसको बचाना है। तो लीव कुछ इस तरीके से अडॉप्टेड होती है कि हार्श कंडीशन में भी प्लांट को सर्वाइव करा पाए। क्लियर है मेरी बात? यस, स्टोमेटा इस लीफ में कैसे होते हैं? संकेन स्टोमेटा होते हैं, थोड़े से धसे होते हैं फॉर रिड्यूसिंग वाटर लॉस, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है, वाटर लॉस को कम कर देता है। तो फाइनली माइडोसेंट देखिए यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम रूट्स की बात करें तो उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देखा, स्टेम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा, और फिर हम लोग ने लीव्स का देखा। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं माइडोसेंट और आगे समझते हैं। यस, अब हम बात करेंगे, अभी हम मैंने बताया था अभी हम लोग माइकोराइजा की बात करने वाले हैं माइडोसेंट। तो आपके दिमाग में होगा कि माइकोराइजा का टाइप्स क्या है, ये एक्टोमाइकोराइजा है पाइनस के केस में या एंडोमाइकोराइजा है? ये क्वेश्चन यहां से नीट का बहुत अच्छा बन सकता है। तो देखिए माइडोसेंट, देखिए ये तो एंजियोस्पर्म के प्लांट के बारे में लिखा है, एंजियोस्पर्म में भी माइकोराइजल आपको देखने को मिलता है फंगल एसोसिएशन, और जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, देख रहे हैं निडल लाइक लीव्स हैं। चलिए अब जरा हम माइकोराइजा के बारे में समझ लेते हैं कि माइकोराइजा है क्या, इसके फायदे क्या है। अगर हम माइकोराइजल बेनिफिट्स की बात करें तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हॉर्स प्लांट को? तो एक्चुअली जो माइकोराइजा है आर एबल टू क्रिएट ए वास्ट कनेक्शन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए प्लांट एंड विद द सॉइल। जब माइकोराइजा बनता है तो आप देखिए जो सॉइल है, सॉइल के साथ बहुत अच्छा फंगल हाइफी एसोसिएट्स कर लेती है। तो सॉइल में उपस्थित जो भी मिनरल्स हैं, जो वाटर है, बहुत अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, विच अलाउ फॉर द फंगस टू अपटेक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फॉर द प्लांट एंड इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट। एक तो प्लांट की देखो सर्फेस एरिया को इन्होंने बढ़ा दिया फंगल एसोसिएशन ने, और दूसरा इसके सॉइल से नाइट्रोजन और फास्फोरस को अपटेक करेंगे और अपटेक करके प्लांट्स को दे देंगे, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप जानते हैं नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारी बात न्यूक्लिक एसिड बनने की हो, डीएनए हो, आरएनए हो, या प्रोटीन बनना हो, सब में नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर रहा है, और अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है तो प्लांट की ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो माइकोराइजा की अगर हम बात करें माइडोस्टेट, तो माइकोराइजा का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रूट्स की सरफेस एरिया को बढ़ा देना है,
हॉर्स प्लांट को प्रॉपर जो फंगल हाइपी है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर दे पा रही है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, माइकोराइज़ा आर प्रेजेंट, प्लांट आर लेस सस्पेक्टेबल टू वाटर स्ट्रेस। अगर किसी वाटर किसी प्लांट की रूट के साथ अगर माइकोराइजल वाला आपको एसोसिएशन मिल रहा है तो बहुत कम संभावना होती है कि उसको वाटर स्ट्रेस का सामना करना पड़े, क्योंकि भाई अब एक और एक मिलके 11 हो गए ना, तो फंगल हाइपी भी तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट को दे रहा है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी की कमी ही नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें। अगर हम बात करें माइकोराइजा के टाइप्स की कि कितने तरीके के माइकोराइजा होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो माइटोस्टेट यहां पर आपको दो तरीके के माइकोराइजा देखने को मिलते हैं। पहला टाइप होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब आप समझते हैं एक्सटर्नली और एंडो का मतलब होता है इंटरनली। अगर फंगल एसोसिएशन अर्थात जो फंगी है सिर्फ एक्सटर्नली अगर एसोसिएटेड है विद द प्लांट रूट के साथ तो हम इसको बोलेंगे एक्टोमाइकोराइजा, जो आपको पाइनस के केस में देखने को मिलेगा। यस, और एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जब फंगल हाइफी का एसोसिएशन सेल्स के अंदर तक हो जाए हॉस प्लांट में, तो ऐसे माइकोराइजा को बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि पाइनस में का जो माइकोराइजा है उसका टाइप क्या है, तो उसका टाइप है माइडोसेट एक्टोमाइकोराइजा। क्लियर है? तो नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलो अब मैंने बताया माइकोराइजा की बात कर ली, मैंने आपको बताया था कि इसके नेक्स्ट वाले में मैं थोड़ी लीव्स की भी बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से लीव्स यहां पर देखने को मिलती है। देखो ये साइकस है, आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, और आपको पता है साइकस का मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। अब आप देखिए यहां पर जो लीव्स आपको मिल रही है, हम इन लीव्स को बोलते हैं पिन्नेट लीव्स। क्यों बोलते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। अगर हम लीव्स की बात करें माइटोस्टेट, तो यहां पर एक वर्ड आया था जब लीव्स में बता रहा था कि यहां पर पिन्नेट लीव्स आपको देखने को मिलती है साइकस के केस में। पिन्नेट लीव्स की हम बात करें, यस एग्जांपल इसका क्या है साइकस। तो पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां का नीट का बन सकता है कि पिन्नेट लीव्स आपको कहां देखने को मिलेगी, साइकस के केस में या पाइनस के केस में? तो आपका आंसर क्या होगा, साइकस के केस में। नेक्स्ट द फोलियस लीव्स जो होती है इसी को हम पिन्नेट लीव्स बोलते हैं। यस, एंड अगर हम बात करें अरेंज्ड स्पाइरली, स्पाइरली अरेंज होती है विद थिक एंड हार्ड केराटिनोस के साथ। देखो ये थिक और हार्ड केराटिनोस है और यहां पर इस तरीके से स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, आप देख रहे हैं स्पाइरली अरेंज है। यस, दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट लीव्स नहीं होती। एंड फॉल ऑफ लीविंग बैक लीव बेसिस, ये लीव बेसिस से कुछ समय के बाद गिर जाती है और फिर नई लीव्स आती है। अब ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं पिन्नेट लीव्स, इसका मतलब क्या है इसको समझाना है। जो लीफलेट्स होती है माइटोसेट, देखिए जो लीफलेट्स हैं, देख रहे हैं जो लीफलेट्स हैं, ये जो लीफलेट्स हैं आर आर्टिकुलेटेड, हैव मिडरिब बट लैक सेकेंडरी वेन्स। देखो इसमें मिडरिब तो आपको मिलेगा, ये जो लीव्स हैं जो लीफलेट्स हैं इसमें मिडरिब तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर सेकेंडरी वेनलेट्स नहीं होगा। मिडरिब क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट ये लीफ है, यस, तो इसका जो पॉइंट है ये है हमारी मिडरिब। यस, तो मिडरिब तो है लेकिन ये सेकेंडरी लीफ, यहां पर जो वेन्स है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसकी लीव्स में। चलिए थोड़ी से पॉइंट और हम लोग बात कर लेते हैं। माइटोस्टेट अगर हम पिन्नेट्स की बात करें तो पिन्नेट लीव्स में क्या होता है, ये जो लीफलेट्स हैं वो अटैच्ड होती हैं एक एक्सटेंशन ऑफ द पेटियोल से, जिसको हम रैचिस बोलते हैं। आप देखिए ये एक रैचिस है, पेटियोल का ही एक्सटेंशन है, और इसी एक्सटेंशन में देखिए लीव इस तरीके से प्रॉपर अरेंज्ड है। यस, और यहां पर आपको कुछ टर्मिनल्स लीफलेट्स भी मिलेंगे, इसलिए इसका जो लीव्स का नंबर होता है ये मान लो अगर 10 इधर है तो 10 इधर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल में भी लीफ है, इसलिए लीफलेट्स के नंबर जो होते हैं वो ऑड हो जाते हैं। यस, तो ऐसी लीव्स को हम बोल रहे हैं ये पिन्नेट लीव्स हैं। तो पिन्नेट लीव्स क्या है, देखिए यहां पर क्या हुआ, पेटियोल का एक्सटेंशन हुआ, बाद में हमने इसको रैकिस रैकिस बोल दिया, और इसी रैकिस में लीफलेट इस तरीके से अटैच्ड है, जिसके नंबर कैसे होंगे, ऑड नंबर होगा। ऑड और इवन के बारे में आप जानते हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं है।
तो फाइनली यहां पर देखा माय डियर फ्रेंड के साइकस के केस पे जो लीफ आपको देखने को मिल रही है पिनेट लीफ, इसका कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, आप देखिए यहां पर पाइनस का प्लांट है और इसके लिए देखिए माय डियर फ्रेंड बिल्कुल निडिल लाइक लीव्स है, आप देख रहे हैं ये निडिल लाइक लीव्स। पाइनस में लीफ कैसी होती है? निडिल लाइक होती है। और साइकस के केस में कैसी होती है? पिनेट लीव्स होती है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिम्नोफॉर्म का। और इनको हम क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स बोलते हैं। ये क्या है? निडिल लाइक लीफ होती है, जैसे सुई जैसी लीव्स होती है, देख रहे हैं आप ये। और ये क्या है? कोन्स है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यस, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के नेचर की, जिम्नोस्पर्म का नेचर कैसा होता है, तो माइटोस्टेन जिम्नोस्पर्म का नेचर है हेट्रोस्पोरस। मतलब यहां पर आपको जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो हेट्रोस्पोरस होगा, मतलब माइक्रोस्पोर भी बनेंगे और मेगास्पोर्स भी बनेंगे। तो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, आपको पता ही है। मेगास्पोर भी हैप्लॉयड होते हैं। तो आप देखिए जो आपके मोनोसियस प्लांट है, कौन सा मोनोसियस है? आपका पाइनस। साइकस कैसा है? डायोसियस है। तो अगर एक ही प्लांट में आपको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों मिल रहे हैं तो आपको हेट्रोस्पोरस देखने को मिलेगा, मतलब दो तरीके के स्पोर आपको देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के केस में। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं माइटोसेंट। चलो अब यहां पर समझते हैं, देखो प्रॉपर ये एक जिम्नोस्पर्म का ये एडल्ट प्लांट है और आपको पता है डोमिनेंट फेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइट्स होती है। यस, और चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं और इसको प्रॉपर हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की माइटोसिस, तो पहला पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है जिसका नाम है नीटम। यहां पर नीटम के जाइलम में क्या होता है, और इफिड्रा के जाइलम में और वेलविटिसे के जाइलम्स में टू वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। टू वेसल्स आर प्रेजेंट, एक्सेप्शन है टू वेसल्स की उपस्थिति। किसके केस में? नीटम के, इफिड्रा के और वेलविटिसिया के केस में। तो यहां से भी एक बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेड है। चलो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो आपको पता है प्रॉपर तरीके से उड का भी फॉर्मेशन होगा। इसी वजह से जिम्नोस्पर्म के स्टेम कैसे होते हैं? उड़ी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर आर्बोरेसेंट्स, मतलब ये उडी प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म अधिकतर उडी प्लांट्स हैं, लेकिन उडी प्लांट है, ट्री हैबिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म भी देखने को मिलेंगे जो श्रब फॉर्म में होते हैं, जैसे झाड़ियां होती हैं, जैसे मान लेते हैं इफिड्रा। यस, इफिड्रा आप जानते हैं, इफिड्रिन ड्रग इसी से निकलती है। कुछ जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? उडी क्लाइंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? नीटम उलाउलस की स्पीसीज है। तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ जिम्नोस्पर्म आपको उडी क्लाइंबर भी देखने को मिलेंगे। यस, ऐसे क्लाइंबर जो उडी हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से भी नीट का एक बन सकता है। चलिए, तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जिम्नोस्पर्म का। बार बार मैं आपको ये लाइफ साइकिल दिखा रहा हूं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। पहला, अगर पहले पॉइंट्स की बात करें माइटोसिस, तो आप देखो यहां पर सबसे पहले, यस, ये देखो पूरा ये एक स्पोरोफाइट्स है, पूरा ये मेच्योर प्लांट है। यस, और इस प्लांट में आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जो पाइनस है वो कैसा होता है? डायोसियस होता है ना। तो यहां पर आप देखिए, सॉरी अगर हम उसकी बात, यस, तो यहां पर पाइनस सॉरी मोनोसियस प्लांट होता है जिसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में मिलेंगे। तो आप देखिए प्लांट है, तो यहां पर जो एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये कोन आपको दिख रहा है और दूसरा कोन ये दिख रहा है। यस, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कोन जैसा स्ट्रक्चर है, यस, ये फीमेल सीड कोन है और ये पॉलिन कोन है। ये दोनों कहां पर है? एक ही प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, अगर हम बात करें माइटोस्टेन, तो आप देखें कि यहां पर इस पॉलिन कोन में क्या डेवलप होंगे? यहां पर पॉलिन ग्रेन डेवलप होंगे। यस,
या जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, और यही माइक्रोस्पोर बाद में मेच्योर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, और यहां पर ये जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन में क्या होगा, वहां पर मेगा स्पोरेंजियम होगा, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल होगा। मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, मेगा स्पोर्स बनाएंगे। यस, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये कहां पर होगा, इस ओव्यूल के अंदर होगा। तो ये कौन सा है, फीमेल कोन है। तो एक्चुअली जो फीमेल कोन्स बनते हैं, तो जो स्पोरोफिल्स लाइक, जो स्पोरोफिल किसको बोलते हैं, ऐसी लीव्स को बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती है। मैं आपको टेरिडोफाइटा में इसको समझाया हूं। तो एक्चुअली क्या होती है कि बहुत सारी जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कंपैक्ट और स्पाइरली अरेंज होके कोन को बनाते हैं। फीमेल कोन भी बनाएंगे और मेल कोन भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट करता है स्पोरोफिल्स क्या है। स्पोरोफिल्स है रिप्रोडक्टिव लीव। इन्हें स्पोरोफिल्स में क्या लगे होते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसमें कैसे होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। देखो यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहां पर ये कैसे हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। और ये स्पाइरली अरेंज्ड होकर, जो स्पोरोफिल जब स्पाइरली अरेंज्ड होता है तो क्या बनाता है, कंपैक्ट स्ट्रोबिलाई बनाता है। स्ट्रोबिलाई को हम कोन्स भी बोलते हैं। यस, और ये जो स्ट्रोबिलाई है आपको पता है दो तरीके का है, जो फीमेल वाला है स्ट्रोबिलाई है। यस, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। और मेगा स्पोरेंजिया को हम ओव्यूल्स बोलते हैं, और इसी ओव्यूल्स के अंदर तो एग का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक वैसे ही जिस तरीके से आप ये फीमेल कोन देख रहे हैं, ठीक वैसे ही माइडोस्टेट यहां पर जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या बनाएंगे, इसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। यस, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है मिलके क्या बना रहे हैं, कंपैक्ट कोन बना रहे हैं, जिसको हमने बोला मेल स्ट्रोबिलाई। यस, और इस मेल स्ट्रोबिलाई के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। कहां से डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे बाय म्यूटिकली डिवीजन। तो माइक्रोस्पोर फिर फाइनली किसमें डेवलप हो जाते हैं, पॉलिन ग्रेन में मैच्योर हो जाते हैं। यस, तो ये रिड्यूस काफी गैमेटोफाइट होता है, इसकी बात भी हम लोग अभी करेंगे। और जो डेवलपमेंट होता है पॉलिन ग्रेन का, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलिन ग्रेन में मैच्योर होंगे। तो डेवलपमेंट कैसा है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। चलिए तो फाइनली अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल कोन्स वो कहां, अगर सेम ट्री में बॉर्न हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कहां पर, पाइनस के केस में। मैंने क्या बताया, यहां पर मेल कोन भी है और फीमेल कोन भी है। तो एग्जांपल इसका बेस्ट क्या है, पाइनस। लेकिन साइकस के केस में आप देखिए, वहां पर मेल कोन मेल प्लांट में मिलेंगे और फीमेल कोन फीमेल प्लांट में मिलेंगे। तो साइकस के केस में वहां पर सेपरेट मिलेंगे। फिर से मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा सा ये ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को कम समझ में आता है। पहली चीज, सबसे पहले तो बात ये होगी कि जो कोन वाला स्ट्रक्चर ये बना कैसा। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा कोन है इसमें कुछ लीव्स से पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, और इन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। क्लियर है। अब इन लीव में स्पोरोफिल में यहां पर लगे होते हैं स्पोरेंजिया। यस, तो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर, मान लो ये एक स्पोरेंजिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल होगा। ये स्पोर मदर सेल है। अब ये स्पोर मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड करेगा तो चार बनेंगे। यस, तो इसमें क्या बनेंगे, ये बनेंगे, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, और अगर मेगा स्पोरेंजिया है तो तीन डिजनरेट कर जाएंगे, और एक जो मेगा स्पोर मदर सेल रह जाएगी उसी से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। क्लियर है मेरी बात। चलो तो इस तरीके से माइडर स्टेट यहां पर आपको फीमेल कोन और मेल कोन देखने को मिल रहे हैं। पाइनस के केस में सेम ट्री में बॉर्न हो रहे हैं, और साइकस के केस में ये अलग अलग बॉर्न हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब यहां पे देखिए माइडस से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है, ये जो पॉलिन ग्रेन है, कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले अगर आप देखें माइडस से कि माइक्रोस्पोरेंजियम, मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट विच अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस मेनी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। अगर हम बात करें कि मेल कोन है तो मेल कोन में यहां पर क्या लगा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
क्या होते हैं, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और यही चार माइक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। सेकेंड पॉइंट, जर्मिनेशन जो होता है माइक्रोस्पोर का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, इसलिए ऐसे जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। जो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं किस पे डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन में, और तब ये जो मेल गैमेटोफाइट है अर्थात जो पॉलन ग्रेन है जो कि हाईली रिड्यूस्ड है और मुश्किल से आप देखिए कि एक लिमिटेड नंबर में ही अंदर बन पाता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अगर हम बात करें तो साइकस के केस में जहां आपको 5 मिलेंगे, यस 5 पॉलन ग्रेन मिल रहे हैं, वही पाइनस के केस में यह सिर्फ 6 सेल्स बचते हैं आप प्रेजेंट होते हैं इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस के केस में कितने हैं 5 और पाइनस के केस में है ये 6। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, तो मैंने आपको बताया ही कि इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोस्पोरिक होता है, जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, मतलब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब आप यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे कन्वर्ट होती है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, देखो तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। इस न्यूसिलस के ऊपर देखो फिर ये एक इंट्यूगमेंट डेवलप हुई, यस, और ये प्रॉपर न्यूसिलस के सेल है। इस न्यूसिलस के सेल में एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। ये मेगास्पोर मदर सेल में एक से कितने बन गई, 4 सेल बन गई, तो ये बन गया मेगास्पोर टेट्रेड। अब मेगास्पोर जो टेट्रेड बना है कैसे बना है, ये मियोटिक डिवीजन हुआ है। अब 4 में से 3 सेल क्या कर जाएंगे, डिसजनरेट कर जाएगी और एक सेल फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप कर जाएगी। अब देखो कैसे ये ओव्यूल्स के अंदर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर हम बात करें ओव्यूल्स की, तो ओव्यूल्स को ओव्यूल्स कहां देखने को मिलेंगे, मेगा स्पोरोफिल में मिलेंगे। स्पोरोफिल का नाम क्या है, वो लीव्स जो रिप्रोडक्टिव लीफ है और जिसमें मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। तो ओव्यूल कहां पर मिलेंगे, मेगा स्पोरोफिल में मिलेंगे। और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो क्लस्टर फॉर्म करके क्या बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं। यस, कोन जैसा स्ट्रक्चर अभी आप देख के आए ना, इस तरीके का कोन वाला स्ट्रक्चर्स बन रहा है। बहुत सारी मेगास्पोरोफिल मिलके इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बना लेती है और इसी स्ट्रक्चर्स में लगे होते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर है बेटा? चलो अब क्या होता है, अब यहां पर देखो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है एक एनवेलप्स के द्वारा। तो देखो ये एनवेलप्स है जिसको हम इंट्यूगमेंट्स बोल रहे हैं। यस, न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं उनमें से एक सेल न्यूक्लियस के सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। तो देखो न्यूक्लियस के सेल थे, इसमें एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। यस, और फिर क्या होता है, अब यहां पर मियोटिक डिवीजन होगा और इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल बन जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4 सेल यहां पर बन गई। अब क्या होगा, इसमें से 1 सेल इंक्लोज हो जाएगी विद मेगास्पोरेंजियम, डेवलप इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम एंड गैमेटोफाइट बियर्स 2 आर मोर आर्चिगोनिया। अब क्या होगा, इसमें से 3 तो डिसजनरेट कर जाएंगी और जो एक सेल है माइटोसेंट, ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, तो आपको देख लेंगे एक ओव्यूल्स के अंदर आपको एक या दो आर्चिगोनियम देखने को मिलेंगे। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यस, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। आगे आप देखें माइटोसेंट तो होगा क्या, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के जैसा नहीं, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टिंग। यहां पर आपको फ्री लिविंग एग्जिस्टिंग नहीं मिल रही है। आप देखो अभी भी जो पॉलिंग ग्रेन है कहां पर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहां पर है, ओव्यूल्स के अंदर है। लेकिन वहां पर क्या देख रहे थे, वहां पर वो क्या हो रहा था, एक साथ वहां पर नहीं, मतलब वहां पर आपको फ्री लिविंग देखने को मिल रही थी,
मेल गैमेटोफाइट की और फीमेल गैमेटोफाइट की, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है। पॉलन ग्रेन रीच ओव्यूल माउथ बाय विंड एंड फ्यूज विद एग एंड फॉर्म जाइगोट। अब सपोज दैट आप देखिए, यहां पर आप देखिए कि ये मेगास्पोरेंजियम है या मेगास्पोरोसाइट्स है, ये ओव्यूल्स है, यस। और यहां पर देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट प्रॉपरली डेवलप हो गया है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में अब देखो यहां पर पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे, यहां पर थोड़ी देर के लिए कलेक्ट भी होते हैं, फिर पॉलन ग्रेन प्रॉपर यहां से पहुंच के इस तरीके से यहां इसके एग को फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बाद में किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एंड नाउ ओव्यूल्स डेवलप इन सीड, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यही ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीड आप देखें, इस सीड का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यस। साइकस पाइनस एंड जिंगो में आपको ये पूरा प्रोसेस, जिम्नोस्पर्म के जितने भी मेंबर है उसमें यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। चलो अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा ओव्यूल, ओव्यूल्स कहां पर है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल में क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम में को ही हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। अब देखो अगर हम ओव्यूल को बात करें तो मेगास्पोरोफिल क्लस्टर फॉर्म फीमेल कोन्स, तो पहले फीमेल कोन्स बने। अब क्या होगा, इस ओव्यूल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है जिसका प्लाइडी लेवल क्या है, 2n है। अब देखो ये न्यूक्लियस, इसका प्लाइडी लेवल क्या है, 2n है। अब ये जो न्यूक्लियस है एक एनवेलप के द्वारा प्रोटेक्टेड है, देखो ये एनवेलप है, यस, इसके द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब क्या होगा, इसमें से जो न्यूक्लियस में एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो गई, और अब क्या होगा, म्यूटिकली इससे कितनी बन जाएंगी, चार सेल बन जाएंगी, जिसमें से तीन सेल जो नीचे वाली है ये तीन सेल डीजनरेट कर जाएंगे, सॉरी तीन सेल डीजनरेट कर जाएंगी, और बाद में बचेगी एक, यही फंक्शनल मेगास्पोर होगी, और यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में फीमेल गैमेटोफाइट या आर्चिगोनिया में डेवलप हो जाएगी, जिसके अंदर सिंगल एग होगा, यस। तो फीमेल गैमेटोफाइट या जो एंडोस्पर्म है बियर्स टू या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया एक ओव्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है कैसी है, मल्टी सेलुलर है, जिसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, यस, इज लेस डेवलप एंड आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और ये ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स के अंदर ही ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है डेवलप होके उसी के अंदर पड़ा रहता है। तो ये फिर से मैंने एक बार आपको क्लियर कर दिया कि कहीं पर भी कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए उसी के आगे का ये प्रॉपर, ये चार है जिसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोर टेट्रेड, तीन डीजनरेट कर जाएंगे एक बचेगा। इसके बाद क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब चार में से ऊपर वाले जो तीन थे ये तीनों क्या कर गए, ये डीजनरेट कर दे, डीजनरेट मेगास्पोर। अब यहां पर एक बचा, इसको हमने क्या बोला, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर देखो फीमेल गैमेटोफाइट ये डेवलप कर रहा है, कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है, इसी को तो हम एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर देखो ये न्यूक्लियस बचा और यहां पर ये आर्चिगोनियल्स की इनिशिएटिंग हो गई, आर्चिगोनिया बनना स्टार्ट हुआ। देखो यहां पर दो आर्चिगोनिया आपको मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो यही तो हम बोलते हैं कि ओव्यूल्स के अंदर आपको दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में डेवलप हो गया, क्लियर है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की अनलाइक मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टिंग बट दे आर रिटेन्ड इन स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट प्लांट्स में ही तो ये पड़ा है, इसी आर्चिगोनिया के अंदर तो एग है जो बाद में फ्यूज करेंगे किसके साथ, जो मेल स्पर्म आएगा पॉलन ग्रेन के जो गैमेट्स है, जो पॉलन ग्रेन एज गैमेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं उसी के साथ तो ये फ्यूज करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो सबसे पहले आप देखो कि यहां पर ये पूरा स्पोरोफाइट का प्लांट है, ये इसका कोन दिखाया गया है, यहां पर हमने दिखाया है एक मेल कोन और यहां पे हमने दिखाया है फीमेल कोन। आप देखो यहां पर ये जो ये तो लीव्स आपकी हैं, इन लीव्स में ये लगा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, यस, और ये जो लीव्स है इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल। अगर ये फीमेल कोन होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। अब चूंकि यहां पर ये मेल कोन है तो क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना देता है, कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देता है जो आपको यहां पर दिख रहा है।
अब इसको समझना, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से देखो ये क्या बन गए, चार माइक्रोस्पोर बन गए। यस, फिर क्या हुआ, यहां पर देखो ये गैमेटोफाइट, ये पॉलीग्रेन, देखो ये डेवलप कर रहे हैं प्रॉपर। अब फाइनली क्या होगा यहां पर, अब देखो दूसरी तरफ, यहां पर ये जो लीव्स हैं ये कौन सी है, ये मेगास्पोरोफिल है। यहां पर ये जो लगा हुआ है ये है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, टेट्रेड बनेगा, जिसपे तीन क्या कर जाएगी, डिजनरेट कर जाएगी, एक बचेगा, और बचने के बाद ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है वो किससे बन रहा है, माइटोसिस प्रोसेस से बन रहा है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया और इसी के अंदर आर्जिगोनी डेवलप करेगी, इस आर्जिगोनी के अंदर क्या होगा, एग होगा। अब फाइनली यहां पर जो पॉलीग्रेन आएगा उस इसी एग को तो फर्टिलाइज करेगा, और जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो फिर बाद में किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और इससे क्या डेवलप हो जाएगा, सीड डेवलप। तो फाइनली अगर हम माइटोसिस बात करें तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो पहली बात है कि जो पॉलिन ग्रेन्स है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं और एयर करंट्स के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा कहां पहुंचते हैं, माइक्रोपाइल में ऑफ ओव्यूल्स ऑफ मेगा स्पोरोफिल में। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रत्येक पॉलिन ग्रेन से क्या निकलेगी, पॉलिन ट्यूब निकलेगी, जिसमें दो मेल गैमेट्स होंगे जो ग्रो करेंगे टुवर्ड्स आर्चिबोनिया इन द ओव्यूल एंड रिलीज डिस्चार्ज इट्स कंटेंट टू मेल गैमेट्स नियर द माउथ ऑफ आर्चिबोनिया। यस, अब क्या होगा, वही चीज है, मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा फीमेल गैमेट के साथ और अनादर मेल गैमेट डीजनरेट कर जाएगा। पॉलिन ग्रेन ने दो मेल गैमेट्स को रिलीज किया, लेकिन एक ही मेल गैमेट फ्यूज करेगा, दूसरा क्या हो जा रहा है, डीजनरेट हो जा रहा है। जबकि एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, दो मेल गैमेट जो आते हैं पॉलिन ट्यूब में, एक एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है। याद है ना, तो वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा है, सिंगल है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिम्नोस्पर्म का, इसलिए तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है यहां पर, क्योंकि ओवरी वाल भी नहीं है। चल, द फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म विच रिजल्ट इन जायगोट एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बन जाएगा, और अब नाउ जो फर्टिलाइज ओव्यूल है ये हैविंग एम्ब्रियो, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और मींस इन जिम्नोस्पर्म आर फॉर्म बट ओवरी और फ्रूट आर नॉट फॉर्म, सो दे आर कार्ड एज नेकेड सीडेड प्लांट। चूंकि ओवरी है नहीं तो यहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो फाइनली माइटोसिस, चलिए थोड़े से पॉइंट्स को और समझते हैं। सीड में आप देखेंगे, सीड में क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, कैसी लेवल होगा, टूएन होगा, और इसी से नया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स बनेगा। यस, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, जो पॉलिनेटेड पॉलेंस होते हैं वो पॉलिन चैम्बर्स ऑफ ओव्यूल्स में थोड़ी देर के लिए यहां पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे माइटोसिस कि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। देखो माइटोसिस, एक वर्ड होता है ज्यूडोसाइफोनोगैमी और दूसरा होता है साइफोनोगैमी। तो ये दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन आपको जिम्नोस्पर्म के केस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज्यूडोसाइफोनोगैमी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इस तरीके के फर्टिलाइजेशन में ये एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा जो लोअर जिम्नोस्पर्म है, इसमें मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। मेल गैमेट कैसा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट क्यों ट्रांसफर होगा, पॉलन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आप हम बात करें साइफोनोगैमी में, तो साइफोनोगैमी का जो टाइप है फर्टिलाइजेशन का, ये आपको हायर जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है कि मेल गैमेट यहां पर नॉन मोटाइल होता है और ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट बाई पॉलन ट्यूब, तो पॉलिन ट्यूब्स के द्वारा यहां पर ट्रांसफर होता है। तो ये अंतर है ज्यूडोसाइफोनोगैमी और साइफोनोगैमी में। देखो इस तरीके का फर्टिलाइजेशन लोअर जिम्नोस्पर्म में है। यस, मेल गैमेट्स यहां पर मोटाइल है जबकि यहां पर मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल यही दोनों बेसिक डिफरेंस है आपका ज्यूडोसाइफोनोगैमी में और साइफोनोगैमी में। दो तरीके का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के केस में। इस तरीके से माइटोसिस
जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। और अगर अभी भी इस सेशन में आपको कोई डाउट्स है तो डायरेक्ट आप मुझे, मैंने जो कॉन्टेक्ट नंबर बताया वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और जरूर से जरूर मेरा जो ऐप है हमारे इंस्टीट्यूट का उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर, बाय बाय, सी यू, बाय।